हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे, है ना। तो आज बनाएंगे आपके लिए घिया के कोफ्ते। जी हाँ, घिया के कोफ्ते जो आज बनाने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फिर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। आपको देखना है कैसे बनने वाले हैं, कितने ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें ना, एक पैन ले लें या फिर पतीला, उसमें डाल दें एक कटोरी बेसन। फिर डालें इसमें नमक, 1/4 चम्मच नमक डाला है, 1/4 चम्मच ही हल्दी डाली है और 1/4 चम्मच ही जीरा डाला है। फिर डाली है 2 चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब आपने इसमें डालनी है घिया। घिया को हमने अच्छे से धो के छील के कद्दूकस कर लिया था, यानी कि ग्रेट कर लिया था। और इसमें से जो पानी होता है ना घिया में, वो आप स्क्वीज़ कर लें, निचोड़ लें, बिल्कुल भी पानी इसमें ना रहे। और फिर इस बैटर में डाल दें जो हम पकौड़े बनाने की तैयारी के लिए बना रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर पानी की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत, तो आप ना जो घिया में से पानी निकाला है ना, वही यहाँ पे डालें और इस कंसिस्टेंसी का बैटर बना के तैयार कर लें। अब हम बनाते हैं इसके पकौड़े। तो उसके लिए हम कढ़ाई गैस पे चढ़ा देते हैं, इसमें तेल डाल दिया हमने सही से। अब तेल जब गर्म हो जाए, फिर आप इसमें 1/1 अपने पकौड़े जो है डालने शुरू कर दो। ध्यान से डालना है ना, हमने यहाँ पर ना चम्मच की हेल्प से डाले, आप हाथ से भी डाल सकते हो, हाथ से भी डाल सकते हो। तो इनको अब आप मीडियम फ्लेम पे ना क्रिस्पी होने दे, ब्राउनिश होने दे। मीडियम फ्लेम पर ही करना, हाई फ्लेम करके जला मत देना। ये देखो हमारे वाले कैसे ब्राउनिश हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको अलग से अब हम छलनी में निकाल लेते हैं, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ड्रेन हो जाए, छन जाए। तो अब करते हैं हम तड़के की तैयारी। ऐसे ही सारे पकौड़े बना के तैयार कर लो। तड़के की तैयारी के लिए हम कढ़ाई गैस पर चढ़ा देते हैं, इसमें डाल देते हैं 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल। और फिर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो इसमें डालेंगे हम 3-4 लौंग जो होती हैं, लौंग डाल दें इसमें। ध्यान से डालना है ना, ये एकदम से चटक भी जाती है। तो अब इसके बाद डालें इसमें जीरा, जीरा जो है आधा चम्मच डाला है हमने। फिर यहाँ पर डाल रहे हैं हम ये पेस्ट, इसमें है 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और 2-3 जो है अदरक के टुकड़े हैं। उसका पेस्ट जो है हमने मिक्सर में बना लिया था और इसमें डाल दिया है। फिर यहाँ पर डालिए इसमें आधा चम्मच हल्दी, और जब ये ब्राउनिश हो जाए हमारा प्याज, तो इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। फिर डाली है 1/4 चम्मच तेगी मिर्च। फिर डाल दें नमक एज पर टेस्ट, जितना भी आप खाते हो। अब इसे थोड़ा सा भुनने दें, ये देखिए तैयार हो गया भुन के। फिर इसमें डाल दें पानी, 2 कप पानी जो है हमने डाला है यहाँ पर। उसके बाद हम डालेंगे मलाई, मलाई जो है हमने आधी कटोरी मलाई इसमें डाली है। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मलाई ज़रूर डालें। उसके बाद डाल दें इसमें पकौड़े जो हमने पकौड़े बना के तैयार किए थे घिया के, तो कोफ्ते कह लें, कोफ्ते डाल दें इसमें। और अच्छे से जो है ना, इसको अब आप एक बार पकने दें, एक बार हाई फ्लेम पे पक जाने दें। ये देखिए कितना प्यारा कलर जो है बन के आया है, इसका कंसिस्टेंसी बहुत प्यारी बन के आई है। और ये अब रेडी हो चुके हैं, रेडी हो गए हैं एकदम। तो अब गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही गर्म मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला, और अच्छे से मिक्स कर लो इसको। ये हमारे कोफ्ते जो हैं तैयार हो गए हैं, बहुत प्यारे बने हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस मेथड से, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और अगर आपको हमारे वाले अच्छे लगे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप भी बनाएं, ट्राई करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और खुश रहें।